हेलो, आप लोग कैसे हैं? सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सब ठीक ठाक रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं। और वीडियो देखते रहिए हमारा। आज तो पीहू गई है स्कूल, तो मैं आपको दिखाती हूँ रसम। हम साउथ इंडियन डिश कभी कभी खाते हैं ना। अभी तबीयत खराब होने के बाद ना, लोग बोले, इधर के कुछ बहनें लोग बैठती है नीचे, तो वो बोली कि आप रसम खाइए, रसम बहुत अच्छा है खांसी सर्दी में भी। तो इसको कैसे कैसे हम बना रहे हैं बताते हैं आपको। ये देखिए, मैंने इमली को भिगा दिया था, थोड़ा सा, इतना सा इमली भिगा दिया था, अंदाज से ही 100 ग्राम, और उसको भिगा दिए थे। बाद में उसको मसल मसल के, और 100 ग्राम को इतना पानी डालते हैं, 1 लीटर कम से कम पानी डालते हैं, और उसको खूब मसल मसल के फिर छान के, और इसमें हल्दी और नमक डाल के खौलने के लिए छोड़ दिए हैं। ये खौल जाएगा अच्छे से, खूब अच्छे से खौलेगा। फिर हम प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, टमाटर सब आपको दिखाते हैं। फिर अभी अजवाइन है ना, अजवाइन, अजवाइन को ना हम थोड़ा भून के और उसमें डालेंगे। तो इसको पहले ही भून देते हैं और एक खौला दिए, उसमें हम डालेंगे इसको भून के। अब इसको थोड़ा भून के फिर उसमें डाल देंगे, फिर तड़का मारेंगे। तड़का में सब तैयार कर लिए हैं, लहसुन कूट के डालते हैं, मैं कूट के डालती हूँ, हरी मिर्च डाल दूंगी, लाल मिर्च लोग डालता है, लाल मिर्च पाउडर भी डालता है, काली मिर्च भी डालता है। मुझे तो थोड़ा पेट का वो है, तो इसलिए मैं स्पाइसी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। टमाटर डालूँगी, प्याज डालूँगी, लहसुन डालूँगी। ये आ गया, इसमें स्मेल आ गया, खुशबू आने लगा। रसम बोलते हैं, रसम। मैं जैसे बनाती हूँ कभी कभी, अभी लोग बोला तो मैं पूछ पूछ के उन्हीं लोगों से, फिर 2-3 बार बनाई हूँ, तो मैं सोची आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ आज। हम लोग के लिए ये बड़ा वो लगता है ना बनाना, और इधर के लोग खाते हैं तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं लगता। ये लोग आराम से घूमते घामते ही बना लेते हैं ये लोग। ये देखिए, अजवाइन हो गया। अब गैस कम करके ही भूज रही थी। ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। ये देखिए, तेल डाल रही हूँ, 1 चम्मच तेल डाली हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अपना खाने के अनुसार डालते हैं। इसमें राई डालते हैं, राई। अभी इसमें राई और जीरा ये डालते हैं। ये कढ़ी पत्ता है, देखिए कढ़ी पत्ता डाल दिए। कड़ी पत्ता का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये लहसुन डालेंगे, और मैं थोड़ा ही मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च एक डाल दी।
देखिए हो गया ये। अब इसमें प्याज डालेंगे। इसको आप बना के ज़्यादा रख सकते हैं, दो दिन खा सकते हैं गरम करके। अब ये थोड़ा भुनाएगा, फिर टमाटर डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा वो करने के लिए नमक डाल देती हूँ, हल्का सा नमक उसमें भी डाली हूँ। सॉरी, अब टमाटर डालूंगी। टमाटर गलेगा तब तक भूनते हैं इसको अच्छे से। गलेगा थोड़ा देर, गलने के बाद इसको फिर इसमें मिलाएंगे। ये देखिए बुझा गया टमाटर, इसमें डालेंगे। अभी खोलेगा थोड़ी देर, पहले भी खोला था अभी भी खोलेगा। राइस में डाल देते हैं रसम और फिर चटकारे ले लेके खाइए इसको रसम को जब बुखार खांसी ये सब होता है ना, ये अच्छा लगता है थोड़ा मुंह में। अभी खोलेगा, फुल लॉन्च कर दिए, अभी खोलेगा, हो जाएगा बस थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी खोल चुका है ये। तो ये रहा रसम, ये देखिए। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हम ऐसे कुछ कुछ दिखाते रहेंगे। रसम बनाने का तरीका बहुत मज़ेदार, पोती भी खूब कटोरी से पी है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वो तो बनता है भाई। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे।